अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, कितना करम किया अल्लाह ने। मैं तुम्हारा शुक्रिया भी अदा करना चाहता, ये सब तुम्हारे ट्रीटमेंट की वजह से पॉसिबल हो सका। ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम मेरी होने वाली बीवी हो। हटाओ हाथ, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या हो गया? बेटा मैंने शगुफ्ता की बातों में आकर तुम पर बहुत जुल्म किए। ऐसी बातें मत करें अबू। आज तो आपने यहाँ आकर मेरे पिछले सारे गम धो दिए। हमारे खानदान में अनिला जो है ना, वो शुरू से ही मनोज मशहूर है। जब पैदा हुई थी ना, अपनी माँ को खा गई। देखिए मैं इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखती, शायद मरहुमा की जिंदगी ही इतनी थी। कॉन्टैक्ट्स तो मैं भी देखभाल के इस्तेमाल करता हूँ माम, लेकिन न जाने किसकी हरकत है, हमारे कंटेनर सीज हो गए। और अब तुम देखना, जब वो चिंगारी शोला बन के अनिला के ऊपर गिरेगी तो उसकी पूरी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी, जल के भस्म हो जाएगी। सलीम प्लीज प्लीज चले जाओ यहाँ से, वरना मैं बहुत शोर मचाऊंगी। ये बातें बहुत पुरानी हो गई। मचाओ शोर, मचाओ शोर, मचाओ मचाओ शोर, बस बचने के हजार रास्ते हैं। सलीम मैं अब तक चुप थी, लेकिन मुझे लगता है अब मुझे अपनी जबान खोलनी ही पड़ेगी। खोलो अपनी जबान, लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन तुमने ये जबान खोली उस दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। मैं किस मुसीबत में पड़ गई? मेरा हाथ थाम लो, तुम्हारी सारी मुसीबतें हल हो जाएंगी। आजकल तुमने अपनी बहन को नहीं देखा, वो कितनी खुश रहने लगी है। तुम्हारी झोली भी ऐसे महंगे तोहफों से भर दूंगा। मुझे किसी चीज की लालच नहीं, जहां तक रही बात आमना की, उसे तो मैं तुम्हारे जान से आजाद करके ही रहूंगी। उफ़, सालक में भी धमकी। अरे भाभी कभी मुझे भी ब्रो की खिदमत करने का मौका दिया करें। आप प्लीज जाएं, मैं बना लूंगी। चले एक कप मेरे लिए भी बना दीजिएगा। तुम जाओ शुभ अपना काम करो। हर एक खुशी कंपनी की रेपुटेशन तबाही के दहाने पे खड़ी हुई है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, सारे कंसाइनमेंट्स ओके होते हैं, डिलीवरी के टाइम पे न जाने क्या अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाती है और कैंसिल हो जाता है। हमारे खानदान में अनिला जो है ना, वो शुरू से ही मनोज मशहूर है। जब पैदा हुई थी ना, अपनी माँ को खा गई। रिश्ता तय होने के बाद हमजा का मागूर हो जाना भी तो है ना। कहीं हमजा का टेंडर अनिला की वजह से तो कैंसिल नहीं हुआ? ये मैं क्या सोच रही हूँ, ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। मुझे वहम में नहीं पड़ना चाहिए, बिजनेस में तो अक्सर ऐसा होता ही रहता है। हमजा के अब्बा के साथ भी तो कई बार ऐसा हुआ, तो क्या मैं भी मनोज थी? नहीं, मुझे ये वहम अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। ये शगुफ्ता बेगम ने बैठे बिठाए मेरे दिमाग को कहाँ उलझा कर रख दिया है।
क्या बात है, क्या देख रहे हैं? तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें एक हैंडसम मर्द से शादी कर लेनी चाहिए थी। क्या मतलब है आपका? आपको किसने कहा कि आप हैंडसम नहीं? पता नहीं कब से मेरे दिल में ख्याल चुटकी ले रहा चुटकी ले रहा था। जरा मैं भी तो सुन, आपके दिल में क्या चुटकी ले रहा था? यही कि मुझसे शादी करके कहीं तुम पछता तो नहीं रही? लगता है ये ऑफिस की टेंशन कुछ ज्यादा ही आपके दिमाग में चढ़ गई, इसलिए ऐसी फजूल बातें कर रहे हैं। तो मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? बिल्कुल 100%। अनिला, मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी क्योंकि तुम मेरे ख्वाबों में आती थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे शादी करके तुम इस घर की नौकरानी बन गई हो। क्या हो गया है आपको? या जब कैसी बातें कर रहे हैं, मेरी तो बिल्कुल समझ से बाहर है। मैं बस अपने दिल की तसल्ली के लिए बोल रहा था। आपकी तसल्ली के लिए क्या ये काफी नहीं है? मैं इस वक्त आपके साथ बैठी हूँ, चाय पी रही हूँ। तुम इतने काम मत करो ना, शब वो है ना, वो ये काम कर लेगी। काम ना करूं तो क्या करूं, पूरा दिन घर में बैठ के मक्खियां मारूं? काम करना तो मेरी फितरत में है। मैं काम नहीं करूंगी तो मैं बीमार हो जाऊंगी। ओ माय गॉड, फिर तो तुम हर वक्त ही काम करती रहा करो। अच्छा, अब काम करने को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तुम अगर काम नहीं करोगी तो बीमार हो जाओगी ना, और बीमार हो के तुम बहुत बेरौनक लगते हो। हमजा की वाइफ बेरौनक लगे, ये हमजा को हरगिज बर्दाश्त नहीं है। वेरी गुड, लाए कप मुझे दे दे, मैं रख देती हूँ। ले जाओ भाई, वरना दोबारा तुम बीमार हो जाओगी। ठीक कहते हो शरीफ भाई, इस बढ़ती हुई महंगाई ने तो सफेद पोश लोगों का भरम खोल के रख दिया। वाकई रशीद भाई, आजकल भरम कायम रखना बहुत मुश्किल हो गया है। और ऊपर से सियासी हालात का पता ही नहीं चल रहा, किसका ऊंट किसके खूंडे से बंधा हुआ है। हमारी सियासत तो सिर्फ वोट देने की हद तक रह गई बस। सच्ची बात है शरीफ भाई, मुझे तो किसी भी सियासी जलसे में जाने का वक्त ही नहीं मिलता। वैसे आजकल आपके हालात बहुत बेहतर हो गए हैं। क्या मतलब है तुम्हारा, क्या कहना चाहते हो? अरे, इतने अमीर घराने में बेटी का रिश्ता किया है, दिन तो बदलेंगे ना आपके। कैसी बातें कर रहे हो, हम ऐसे लोग नहीं हैं। अरे अब हमसे क्या छुपाना, इस दुनिया में सब चलता है। नहीं नहीं शरीफ भाई, आपको कुछ शदीद गलत फहमी हो रही है। अच्छा रशीद भाई, सब बातों को छोड़े, मुझे इमरजेंसी में 10,000 रुपए की जरूरत है, क्या मिल सकते हैं आपसे? 10,000 रुपए? शरीफ भाई आप तो जानते हैं हम तो हैंड टू माउथ लोग हैं, मेरे पास कहाँ से 10,000 रुपए आए। अरे रशीद भाई रहने दें, बेटी के लिए तो 40,000 का मोबाइल है, बाप के लिए 10,000 रुपए नहीं? वो तो हमारी बेटी को उसकी बड़ी बहन ने गिफ्ट किया है, और हम ऐसे लोग नहीं है कि अपनी बेटी से खर्चा लें। अरे भाई पैसे नहीं देने तो मत दो, बहाने बाजे क्यों कर रहे हो, मैंने तो गलती करी आपके घर आके। विवाद भी मोहल्ले वालों ने बातें बनानी शुरू कर। ये सब क्या है? ये जो आपने सामान मंगवाए थे ना, ड्राइवर ने ला दिया। हाँ, मैं इसके बारे में पूछने ही वाली थी तुमसे। आप मुझे बता दीजिए क्या बनाना है दोपहर में। गोश्त आ गया है तो एक काम करते हैं, मुगलई कोरमा बना लेते हैं। दुल्हन बेगम, आपसे एक बात पूछूं? आप क्या कोरमे की रेसिपी पूछनी है? नहीं, कोई और बात है। हाँ पूछो। क्या सलीम साहब ने जो छुरी उठाई थी वो वाकई सेब काटने के लिए उठाई थी? नहीं तो क्या, मुझे काटने के लिए? क्या हो गया है तुम्हें, तुम्हें क्यों ऐसा लगा? मुझे उनके अंदाज से लगा। फजूल बातों पे ध्यान नहीं दिया कर, चलो काम करो। अच्छा खाना बन गया हो तो दस्तरखान ही लगा दो।
कोई खाना वाना नहीं है। क्यों? अरे भाई बदजायका ही सही, खाने को तो मिल जाता है। मैं ना तंग आ गई हूँ रोज के आलू टिंडे लौकी पालक, भाई इंसान का दिल गोश्त खाने का भी करता है कभी। पहले भी तो बकरे ईद पर ही सिर्फ गोश्त की याशी होती थी, आज कौन सा कोई अनोखा हो गया है? मैं कुछ नहीं जानती, मुझसे नहीं पकती ये सब्जियां वगैरह। अच्छा वो मुझे बाहर शरीफ भाई मिले थे, पूछ रहे थे कि छोटी बेटी की शादी कब कर रहे हो। हमारी बेटी है, हमारी मर्जी, हम जब चाहें उसकी शादी करें, उन्हें क्या तकलीफ पड़ी है? क्यों अर्कुन्निसा का दर्द उठ रहा है उनके पेट के अंदर? पेट में महाव्रतन बोला है, तुम भी पकड़ लेते हो बात। देखो शगुफ्ता मोहल्ले वाले जो है ना उन्हें चस्की लेने की आदत होती है। बात सुनो, तुमने या मैंने कभी उनसे पूछा है कि आपकी ये छह छह लड़कियां ताड़ की तरह लंबी हो रही हैं, उनकी शादी कब कर रहे हो? असल में शगुफ्ता, जब से मोहल्ले वालों ने आमना के हाथ में महंगा मोबाइल देखा है ना, वो समझते हैं कि शायद हम अनिला के ससुरालियों को लूट रहे हैं। अरे मोहल्ले वाले जो कहते हैं ना कहते रहे, अगर हम भी इनकी बातों की परवाह करने लगे ना तो ये हमारा जीना आराम कर देंगे। हाँ बात तो तुम्हारी सही है। और मियां रही बात फायदे की ना, तो फायदा तो मैं अब उठाऊंगी। वो किस तरह? क्या अब तुम डायरेक्ट दामाद से तकाजा करोगी? नहीं, आमना को उस घर की बहू बनाकर। पता नहीं भाई अब तुम कौन सी कोई नई मंसूबाबंदी कर रही। तुम नहीं समझोगे, मैं जो कर रही हूँ ना अपनी बेटी के रोशन मुस्तकबिल के लिए कर रही हूँ। जरूरी नहीं कि वो लोग मान जाएं। मैं जानती हूँ उन्हें कैसे मनाना है, क्योंकि आप जानते हैं शगुफ्ता नाम है मेरा। कहो क्या खास बात करनी है? ऐसे नहीं, आमने सामने करनी है, फोन पर नहीं। तो फिर इंतजार ही करते रहो, पता नहीं कब आना हो अब मेरा। तुम्हें घर आने का कह भी नहीं रहा। तो कहीं और कैसे मिल सकती हूँ? किसी भी जगह मिलो, हम दोनों कार में बैठ के बात कर लेंगे। ना बाबा ना, अब्बा की तरफ से घर से बाहर निकलने में पाबंदी लगी हुई है। तो अम्मा के साथ आ जाना। अम्मा को कौन मनाएगा? मुझे मालूम है कि तुम मना लोगी। अम्मा को मनाना बहुत मुश्किल है। उन्हें कहना कि उनका होने वाला दामाद दरख्वास्त कर रहा है। देखो अब तुम जिद कर रहे हो। जिद तो फिर जिद सही। किस मुसीबत में डाल दिया तुमने ये मुझे? सिर्फ ये बताओ कि तुम आ रही हो या नहीं। अम्मा से पूछ के बताऊंगी। अम्मा से पूछो या अम्मा की अम्मा से, तुमने लाजमी आना है। यानी कि तुम्हारी जिद माननी पड़ेगी। इसी में तुम्हारी और तुम्हारी अम्मा का फायदा है। ठीक है, मैं तुम्हारा मैसेज अम्मा को दे दूंगी। अब खुश? ओके बाय बाय। अबू आप यहाँ? क्यों बेटा, आपको मेरा यहाँ आना बुरा लगा क्या? नहीं अबू, आपको यहाँ देखकर मुझे आज इतनी खुशी हो रही है कि मैं बयान भी नहीं कर सकती। ये तुम्हारा बड़ापन है बेटे। इसमें मेरा बड़ापन कहाँ से आ गया? बेटा मैंने शगुफ्ता की बातों में आकर तुम पर बहुत जुल्म किए। ऐसी बातें मत करें अबू, आज तो आपने यहाँ आकर मेरे पिछले सारे गम धो दिए। बेटा मुझे ये एहसास हो रहा है कि मैं सारी उम्र उस औरत के हाथों में खिलौना बना। मुझे अम्मी की फितरत का अंदाजा है, इसीलिए आपको खबरदार करना मैं अपना फर्ज समझती हूँ। खबरदार कर क्या बात? अम्मी का लाड प्यार आमना को बिगाड़ रहा है अब्बू। ये तुम क्या कह रही? आपको उन पर नजर रखनी होगी अब्बू, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। ठीक है बेटा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मगर इतने बरस उस औरत के हाथों में खिलौना बना रहा हूं कि मेरी इस घर में कोई वक्त नहीं। बेटा फिर भी आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी अब्बू, आमना अभी बहुत नादान है, अपना अच्छा बुरा नहीं समझ सकती।
ठीक है बेटा, मैं कोशिश करूंगा, मगर तुम जानती हो कि इस घर में वही होता है जो वो दोनों माँ बेटी चाहती हैं। मेरी कोई बात नहीं सुनती, मुझसे कोई मशवरा नहीं करती। आप बाप होने के नाते अपनी जिम्मेदारी से बरी जिम्मा नहीं हो सकते अबू, आखिर आमना आपकी बेटी है। ठीक है, मैं देखता हूं मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूं। खैर, वो तुम्हारी सास नजर नहीं आ रही। वो अपनी एक सहेली के घर गए हैं। चलो ठीक है, फिर वहां आए तो उन्हें मेरा सलाम बोलो। जी, आप चाय लेना ठंडी हो जाए। अरे अम्मा, मैं क्या करूं, वो जिद कर रहा है ना मिलने की। तुम्हारे अब्बा लाख काट के उल्लू सही, लेकिन इस मामले में ना वो तो मेरी टांगे ही तोड़ देंगे। हाय अल्लाह, कैसा मंजर होगा ना जब मैं हमजा की तरह व्हीलचेयर पे चल रही होंगी। मैं कुछ नहीं जानती, आपको कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। अरे सोचने तो दे, कोई सही रास्ता नजर तो आए। अरे अम्मा, आपके दिमाग में तो इतने मंसूबे होते हैं, कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि शैतान भी तुमसे मशवरा लेने आता होगा। हाय अल्लाह, क्यों शैतान बेचारे को बदनाम कर रही है। मैं शैतान को बदनाम नहीं कर रही हूँ, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ। हाँ, अब अगर तूने तारीफ कर ही दी है तो फिर कुछ तो सोचना पड़ेगा। ये जरूर सोचना, सलीम ने कहा है जब तुम दोनों माँ बेटी आओगी तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है। फायदा? कहीं वो मेरे लिए गिफ्ट तो नहीं ला रहा? अब ये मुझे नहीं पता, अब जल्दी जल्दी कुछ सोचो क्योंकि मैं तो तैयार हूँ। एक रास्ता नजर तो आ रहा है। रास्ता सीधी सड़क का होना चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी गलियों का नहीं। अरे हाँ ना, आइडिया पकने तो दो। जल्दी पका लो, मुझे सलीम को जवाब भी देना है, वो इंतजार कर रहा है। पक गया आइडिया। वो क्या? हम दोनों बुध बाजार शॉपिंग पे चलते हैं। मैं तुमसे क्या कह रही हूँ और तुम मुझे क्या जवाब दे रही हो? हाय अल्लाह, मेरी बुद्धू बेटी, हम तेरे अब्बा से ये कहेंगे कि हम बुध बाजार शॉपिंग पे गए थे। इसका मतलब ये है कि हम अब्बा को ये कहेंगे कि हम सब्जी लेने गए थे। हाँ, जरा आहिस्ता बोलो, ये ना दीवारों की तरह अब्बाओं के भी बड़े कान होते हैं। अब तुम यहाँ बैठो, मैं तैयार होके आती हूँ। सही है। मॉम, आपने बुलाया? हाँ बेटा, बस ऐसे ही। कोई खास बात थी? नहीं बेटा, कोई खास बात तो नहीं है, लेकिन मुझे हैरत जरूर है। क्या बात है, आप बताएं मुझे। बेटा, शब्बू ने मुझे बताया कि तुम्हारे वालिद आए थे। हाँ, उन्हें इस तरफ कोई काम था तो वो मुझसे मिलने आ गए। हालांकि पहले तो वो कभी अकेले नहीं आए। जी, तुमने उनकी खातिर मदारत में कोई कमी तो नहीं रखी ना? नहीं, बस उन्होंने एक कप चाय पी है। क्यों बेटा, जब वो अपनी बेटी के घर आए थे तो खाली चाय पिला के तुमने रुखसत क्यों किया? बेटा, तुम्हें खुद ही कुछ ख्याल कर लेना चाहिए था उनका। अब मॉम, मैं उनसे क्या बहस करती। चलो ठीक है, खामोखा मैंने तुम्हें रोक लिया, कोई अच्छी बात नहीं है, तुम जाओ अपने काम कर लो। अच्छा बेटा, बात सुनो, ये वही बाप है ना जो तुम्हें मनहूस समझता था? तुम हो ही मनहूस। तुम्हारे होते हुए ना कोई खुशी इस घर में आई है और ना कभी आ सकती है। मैं आज तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। मोहल्ले वाले मुझ पर थू थू कर रहे हैं। ना तुम रहोगी, ना तुम्हारी मनुष्यत रहेगी इस घर में। ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ। हाय, कहाँ रह गया मर्दूद? हे अम्मा, कैसी बातें कर रही हो, अपने होने वाले दामाद को कोई मर्दूद कहता है? हाय, मगर इतनी देर हो गई, हम यहाँ पहुँच गए लेकिन वो अपनी गाड़ी में यहाँ तक नहीं पहुँचा अभी तक। आते ही होगा, ट्रैफिक जाम में फंस गया होगा। देख, अगर वो नहीं आया ना तो जानती है मैं कितनी सर फिरी हूँ।
अभी तुम अपना दिमाग ठंडा करो। सिर्फ 10 मिनट इंतजार करूंगी मैं बस। देखो वो आ गया, देखो वो आ गया। अरे आंटी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मुझे आने में ज्यादा देर तो नहीं हुई? वालेकुम अस्सलाम, हाँ आधा घंटा तकरीबन। आंटी पीछे सारा ट्रैफिक जाम है, वहां पर फंस गया था। आपको पता भी है हम कितनी मुश्किलों से बहाना बनाकर घर से निकले हैं। क्या बहाना बनाया है? यही कि हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। ये भी कोई बात है, इस बहाने को हकीकत बना देते हैं। ये लीजिए आंटी। अब बेटा वो सही है, आमना से बात ये गली के नुक्कड़ भी करोगे? आंटी आप अपने लिए कुछ चीजें ले लें, तब तक आमना और मैं यहाँ गाड़ी में बैठकर बात करते हैं और ठीक 1 घंटे के बाद आपको यहीं पर मिलेंगे। अम्मा तुम जाओ ना, समझा करो। अब जय खैरियत से आंटी, हम आते हैं। अरे ये क्या कर रही हो? परफ्यूम लगा रही हूँ। ये परफ्यूम हर जगह ना लगाया करो, कभी कभी जिन चिपक जाते हैं। कितनी अच्छी खुशबू है इसकी। हाँ लेकिन तुम जैसी खिलती गली की खुशबू के आगे ये खुशबू कुछ भी नहीं। आसान लफ्जों में गा करो, मुझे इतनी मुश्किल बातें समझ नहीं आती। आसान बात ये है कि शादी के बाद तुम हनीमून पर कहाँ जाना पसंद करोगी? हैं हनीमून? लेकिन तुम्हारे भाई और भाभी तो किसी हनीमून पे नहीं गए। अरे भाभी एक माजूर की बीवी है और तुम सलीम की, एकदम हट्टा कट्टा सलीम। जब मेरी बहन को पता चलेगा कि हम हनीमून पे जा रहे हैं वो तो जल भुनकर खाक हो जाएगी। थैंक यू, ये लो मेरी जगह। ये बात तो है। आज तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर मंगवाया स्ट्रॉबेरी। कैसे मेरी स्ट्रॉबेरी? ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम मेरी होने वाली बीवी हो। हटाओ हाथ, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या हो गया? तो तुमने ये फैसला कर लिया है कि तुम शादी करोगे तो मुझसे ही करोगे? तो और नहीं तो क्या, ये इतने महंगे तोहफे, ये शादी की बातें, क्या ये सब झूठ है? मुझे यकीन होने में ना थोड़ी मुश्किल हो रही है कि कोई अमीर लड़का मुझसे शादी क्यों करेगा। क्या बताऊँ आमना, जब से तुम्हें देखा है कोई और लड़की मेरी नजरों में जचती नहीं। बेगम साहिबा क्या बात है, आपको झुलझी भी लग रही है। बेगम साहिबा किस बात से उलझी हुई हैं? माम के रवैये से। क्या हुआ उनके रवैये को? पता नहीं, दिन ब दिन माम का रवैया मुझसे कुछ मुख्तलिफ होता जा रहा है। शायद आपको गलत फहमी हुई होगी। गलत फहमी मुझे? ये किसी की शरारत भी तो हो सकती है। कौन ऐसी शरारत करेगा, कैसी बातें कर रही हो तुम? हो सकता है कि आपसे बदला लेने के लिए उनसे किसी ने कोई सीधी बातें की हो। मुझसे कौन बदला लेगा? ये तो आप मुझसे बेहतर समझ सकती हैं। एक काम करो, तुम जाओ एक कप चाय बना दो। जी ठीक है सब। एक घंटा हो चुका है और अम्मा वहां मेरा इंतजार कर रही होंगी। ये तो है जनाब, को तोहफे की श्योरिटी जैसे हुई है अम्मा का ख्याल आ गया। ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? अगर आज गर्मी ने अम्मा का दिमाग घुमा दिया ना तो हमारा मिलना मुश्किल हो जाएगा। चलो ठीक है चलते हैं।
क्या बात है, तुम कहाँ घूमो आजकल? कुछ नहीं, बस यूं ही। बस यूं ही मतलब? मैं नोट कर रहा हूँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। नहीं, तबीयत को क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है मेरी। नहीं, मुझे लग रहा है कि तुम ठीक नहीं हो। अगर तबीयत ठीक है तो फिर क्या बात है? आप अपने दिमाग से ये वहम निकाल दें प्लीज। अच्छा, अगर ये मेरा वहम है तो तुम्हें क्या गम खाया जा रहा है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपसे शादी करके मुझे कोई गम खाया जा रहा है? अगर ये बात नहीं है तो फिर तुम कहाँ घूमो आजकल? मैं नोट कर रहा हूँ कि जब भी मैं रूम में आता हूँ तुम्हें पता ही नहीं लगता। बस आज मुझे कुछ बेचैनी सी हो रही है। देखा, मैंने सही कहा था, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत ठीक है, मेरा मतलब है कि कुछ घबराहट सी हो रही है। चलो फिर चलते हैं। हम कहाँ चलते हैं? डॉक्टर के पास चलते हैं। और कहाँ? अब इतनी घबराहट नहीं हो रही कि मैं डॉक्टर के पास चली जाऊँ। देखो यार, मैं तुम्हारे चेहरे पे उदासी नहीं देख सकता। मैं कह रही हूँ ना, परेशानी की कोई बात नहीं है। चलो फिर, तुम तो हकीम हो, खुद भी अपना इलाज कर सकती हो। अच्छा ठीक है, मैं कोई कावा बना के पी लूंगी। चलो तुम जो बेहतर समझो। अल्लाह, आमना मेरा सर दबा दे। अम्मा मैं भी थके आई हूँ। हड़ हराम ही रहना बिल्कुल। कहाँ चली गई थी तुम दोनों? अब कहाँ कहाँ जाना था। हाँ, हम लोग बुध बाजार गए थे। तो इतनी देर लगा दी? हमें अंदाजा था कि हम आपके आने से पहले आ जाएंगे। भाई आज तो बाजार में भीड़ इतनी थी, ऊपर से अपनी पसंद की चीज देखने के लिए भी ना इतना टाइम लग गया। इतनी सारी खरीदारी, पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? पैसे कहां से आए? शगुफ्ता, कहीं तुमने वो पैसे तो नहीं निकाल लिए जो हमने आमना की शादी के लिए छुपा कर रखे हुए थे? अम्मा तुमने मेरे पैसों में डंडी मार ली। अरे नहीं भाई, मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? तो फिर कहां से आए इतने सारे पैसे? अब कहां से आए? अरे मैं आपको बताने ही भूल गई, वो बड़ी अम्मी के पास बीसी डाली थी ना मैंने, वो अब के महीने मेरे ही नाम की खुली है। अच्छा, तो ये बीसी के पैसे हैं तुम्हारे? हाँ। अरे सोचा कि बच्ची को कुछ हल्की फुल्की शॉपिंग करा दूं, तो इसे भी बुध बाजार ले गई थी। अब आप खुद सोचे ना, हमारी आमना को अनिला के घर जाना पड़ा तो क्या वही पुराने घिसे पिटे कपड़े पहन के जाएगी? हाँ चलो, ये तो अच्छा किया तुमने, उससे हमारी इज्जत खराब होगी। बस यही सोच के मैंने फैसला किया। अच्छा किया। अच्छा खाना कब पकेगा? तुम्हें पता है मैं ऑफिस से भूखा आता हूँ। अरे उसकी फिक्र मत करें, उसका भी इंतजाम किया है मैंने। वापसी में ना चपली कबाब और चपातियाँ लेकर आई हूँ, वो रखी हुई है। दस्तखान लगाओ, जाओ जल्दी से निकालो ना अब्बा के लिए, आप फ्रेश हो जाएं। हिल लिया करो थोड़ा, मेरा भी है इसमें। आप यहाँ अभी तक अपने कामों में लगे हैं। हमजा नीचे टेबल लग गया है, मॉम आपका खाने पर वेट कर रहे हैं। अरे मुझे थोड़ी देर दे दो, मैं एक इम्पोर्टेंट ईमेल सेंड कर दूँ, फिर चलते हैं। कोई थोड़ी देर और नहीं, जल्दी चलें। और देखें, अब अगर और लेट करेंगे ना आप तो मॉम को आप खुद जवाब देंगे, मैं नहीं। अच्छा ना भाई, डरा क्यों रही हो, चलते हैं। हाँ। आप बैठे, मैं आपकी व्हीलचेयर लेकर आती हूँ। रुको एक मिनट। हमजा, हमजा ये क्या कर रहे हैं आप? हमजा, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, कितना करम किया अल्लाह ने। मैं तुम्हारा शुक्रिया भी अदा करना चाहता, ये सब तुम्हारे ट्रीटमेंट की वजह से पॉसिबल हो सका। और ये जो मूवमेंट मैंने अपने अंदर महसूस किया, इसकी तुम असल हकदार हो।
और देखना देखना बहुत जल्द मैं अपने पैरों पे खड़ा होकर दोबारा से चलना शुरू कर दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन लेकिन क्या अभी आप अपने घर वालों को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे? मगर क्यों? देखिए हमजा, मैं चाहती हूँ जब आप पूरी तरह से सेहतयाब हो जाएं, तो फिर हम सबको सरप्राइज देंगे। जैसा तुम्हें ठीक लगे।